आधी बैंडेज कैसे खोलूं? जब इतना दर्द हो रहा है तो हेल्प के लिए नहीं बोल सकते थे? नहीं, मैं कर लूंगा, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं। अरे इधर, सॉरी, ज्यादा जोर से तो नहीं लगा, मैं कर रही हूं ना, रिलैक्स। दर्द हो रहा है? मेरे दर्द में अब तुम्हें भी दर्द होते हुए देख, ये दर्द भी मुझे मीठा लगने लगा है। वो ख्वाब में धुंधला सा चेहरा, तू थी या कोई फरिश्ता था? वो ख्वाब में धुंधला सा चेहरा, तू थी या कोई फरिश्ता था? तुझसे मिलने से पहले भी तेरा मेरा कोई रिश्ता था। जब सुनता था अपनी सांसें तेरा नाम सुनाई देता था, जब सुनता था अपनी सांसें तेरा नाम सुनाई देता था, चांद को जब भी देखूं तो तेरा अक्स दिखाई देता था। पल को पल को लम्हा लम्हा बस हो गया। क्या हुआ? रूप, इशिका खाना तैयार है तो आ जाइए आप लोग। ऐसे हम वेट तो कर ही रहे, थोड़ा और वेट कर लेंगे, ऐसे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से टाइम लीजिए अपना। हाँ किंजल बहन, हम आ रहे हैं, आराम से आओ। हाँ ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, चले। खाना परोसने में उनकी मदद करके आती हूँ। एक मिनट, इशिका, जो हुआ मैं उसके बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। पापा ने बहुत कुछ कहा तुमसे, तुम काफी हर्ट हुई होगी, लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम किसी बात की कोई चिंता मत करना। अच्छा लगे बुरा लगे हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करना, चुप मत रहना, इस घर में अपने आप को कभी अकेला फील मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं हर घड़ी हर पल। जानती हूँ, लेकिन जब तक प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन नहीं कर देते तब तक तुम पे नजर रहेगी मेरी। नो एस्केप। बड़ी जरूरी काम, मैं कंप्लीट करके आता।
इशिका, इस घर की सुहागन औरतें साड़ी पहनती, सर पे पल्लू रख के। आ जाए इशिका। मम्मी पापा, हमने उन्हें बुलाया है, वो अभी आते हो। आप बैठिए। आइए रुपेश भाई, कंचन भाभी बैठिए खाने के लिए। वेवाई जी, हम ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि बेटी के ससुराल जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, उसके लिए जरूर कोई भेंट सौगात ले जाते हैं। उसके घर का पानी पीना भी बेटी के माँ बाप के लिए वर्जित होता है, लेकिन हम जिस हालात में घर से निकले हैं, उन हालातों में आपके लिए कोई भेंट सौगात नहीं ला पाए, तो मैं जो गहने पहनकर घर से आई थी, वही गहने आपको भेंट के रूप में देना चाहती हूं। शेर भाई, इन हालातों में हमसे जो बन पड़ा उसे भेंट समझकर स्वीकार कर लीजिए। क्या हुआ? बोल दे इनसे कि मुझे इनकी कोई भी चीज नहीं चाहिए, ना ये गहने और ना ये रोज रोज के नए रिश्ते बनाने की तरकीबें सोचना बंद करें। आपको इनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ना है। मैं आपको पापा कहता हूँ, ऐसे ही नहीं कहता। आप मेरे पिता समान ही हैं। मैं आपको मम्मी कहता हूँ, ऐसे ही नहीं कहता। आप मेरी दूसरी माँ ही हैं और आप दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं दिल से करता हूँ। थैंक यू पापा। अगर आप आज ये गहने रख लेते तो मैं तो शर्म से ही मर जाता। अरे तुझे शर्म क्यों? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अपने घर में चलना भी दुश्वार हो गया। सॉरी शिखा, वो पापा कभी कभी थोड़ा अंडरस्टैंड। तुम अपने पापा को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हो ना, लेकिन जो तुमने मेरी मम्मी पापा के लिए किया, उनकी इज्जत रखी,
उसके लिए थैंक यू। तुम यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मेरी मम्मी पापा का यहाँ पे रहना। डोंट वरी, तुम्हारे मम्मी पापा पटेल निवास जाएंगे, लेकिन पूरी इज्जत और हक के साथ। और इस बार जब जाएंगे तो उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा पेशेंस भी। कमला, अगर अपने छोरे और वो छोरी की तरफदारी करने आई है तो उल्टे पांव लौट जा। मैं तो आपको गाजर का हलवा देने आई थी। मीठा खा के क्या करूं कमला, जब घर में इतनी कड़वाहट है। अरे अपना छोरा, मुंजा, शेर, सपना था वो मेरा, आज कमजोरी बन गया कमला। अपने बाप की दुखती नफ्स बन गया हो। हाँ, उसे दरोगा बनाना चाहता था कमला। देख, अब मुझ ठीक से आई नहीं, उसे पहले शादी करके आ गया। बोलते ये धनिया नहीं है, ऐसी छोरी जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। उधर देखा तूने? अरे वो पटेल को पापा बोल रहा था, उसका ससुरा उसका पापा हो गया, और अपनी सास को मम्मी बोल रहा था, वही हो गए उसके मम्मी पापा। आपकी तो सारी उम्मीदें ही मर गई हैं। जी आप एक बार रूपेंद्र की तरफ से भी सोच कर देखिए ना, आप तो सिर्फ उसके ऐब देख रहे हैं, उसकी अच्छाई भी देखिए। अपने रूपेंद्र की परिस्थिति, उसकी परिस्थिति और आओ की परिस्थिति, उसका क्या, आओ के मान सम्मान का क्या, बोल। ऐसा लगता है जैसे अपना इकलौता छोरा, उसके जीवन में बाप की कोई अहमियत ही नहीं है। आप जानते हैं ये सच नहीं है, और आप ये भी जानते हैं कि तो बस कमला, ये जानता हूँ कि मेरा छोरा इससे पहले भी अपने बाप से दूर हुआ है, इस बार आऊ हार गया, क्योंकि आज एक बेटा अपने बाप के सामने एक लड़की की वजह से बगावत कर रहा है। कमला, सिर्फ एक लड़की की वजह से। आपको क्यों एहसास नहीं हो रहा है कि ईशिका सिर्फ एक लड़की नहीं, रूप की धर्म पत्नी है। उसकी जीवन संगिनी है। तुम ठीक तो हो ना? पूर्वी, तुम्हारे मैसेजेस देखे मैंने, मैं तो घबरा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने, मैं किससे बात करूं? तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। वैसे भी मैं तुमसे मिलना चाहता था, पता है कितना मिस किया तुम्हें मैंने। मुझे लगा कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हो, बहुत तकलीफें दी ना मैंने तुम्हें। नहीं विनय, बिल्कुल भी नहीं। कर ले, नहीं नहीं कर ले, एक और कान के नीचे रख के दूंगा ना
तब समझ में आएगा तुझे। हीरो बनने मत जा, खुद का तो बचा नहीं पा रहा है, दूसरे को क्या बचाएगा। चल निकल निकल। और तू पहली बार है इसलिए छोड़ रहा हूं, आइंदा से तू इस विनय से ना बात करेगी ना मिलेगी, वरना ये जो मुंह है ना तेरा, सॉरी बोलने लायक बचेगा नहीं, समझे। अंदर बाप की बेइज्जती करके पेट नहीं भरा था तो जा, जो बाहर आ गया बाप की बेइज्जती करने के लिए है? एक तो बाहर बाप की जान बचाता और फिर अंदर उसी बाप की बेइज्जती करके उसकी जान लेता है। मजबूरी है आऊं। पापा, सबसे बड़ी मजबूरी तो ऐशिका के माता पिता की। इतने बुरे हालातों में उन्हें यहाँ हमारे साथ इस घर में रहना पड़ रहा है। पापा, आपके कहने पे मैं घर तो आ गया और मैं आपके साथ रहना भी चाहता हूँ, लेकिन पापा तब की बात में और अब की बात में थोड़ा फर्क है। पापा, अब मैं शादीशुदा हूं तो मेरे साथ साथ आपको मेरी पत्नी और उसके माता पिता को भी स्वीकार करना होगा। अब वो लोग भी मेरी जिम्मेदारी हैं, जिस तरह आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, मम्मी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसी तरह से ईशिका के माता पिता भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। पापा, जैसे मैं आपके साथ कुछ गलत होता हुआ कभी नहीं देख सकता, वैसे ही ईशिका के माता पिता के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकता। पापा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख पहुँचता है मुझे कि मुझे आपके खिलाफ जाकर कुछ कहना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। ये मैं कभी नहीं करना चाहता पापा, लेकिन एक बार के लिए मुझे लगा था कि मुझे मेरा रूपेंद्र मिल गया। आऊं, गलत था, भ्रम था वो मेरा। अरे, जो मरद अपनी दनियानी के माता पिता के सामने जमाई राजा की ऐठन की बजाय एक वेटर की तरह उनकी कुर्सी खींचे, उनका घर जमाई बन के रहे, ऐसे को आऊं मर्द ही नहीं मानता। पापा, असली मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत कर, कमजोर की रक्षा कर, अपने से बड़ों का मान करे, सम्मान कर, फिर वो चाहे किसी के भी माता पिता क्यों ना हो। पापा, आप बस थोड़ा समझने की मुझे कोशिश कीजिए। आऊ, समझ रहा हूँ। जोरू का गुलाम बन गया नहीं, तब उसी छोरी की भाषा बोल रहा है तो, और उसी के माँ बाप तूने अपने माँ बाप बना लिए और कुछ नहीं। अब मेरी बात तो, आज भले ही आप मेरी बात ना माने पापा, लेकिन एक ना एक दिन आप मेरी बात मानेंगे भी, समझेंगे भी।
डिफिकल्ट सोचा था उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। क्या बात साड़ी नॉन नाइस। मम्मी जी ने बोला पहनी तो पहनी लेकिन खुद से पहनी है ना, साड़ी भी एकदम परफेक्ट और मेरी स्किन भी नो ड्राई स्किन एनी थैंक्स टू दिस वैसलीन बॉडी लोशन। कोकोनट ऑयल से 6 गुना ज्यादा त्वचा को नमी देता है और स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाता है। तुम ट्राई करके देखो।